पुलिस प्रशासन नो एंट्री से गुजर रहे हैं भारी वाहन। आपको बता दें कि रेवाड़ी के नई चौक से नो एंट्री में 6 से 7 भारी वाहन गुजरे, जिनकी वजह से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। यहां पर पुलिस चौकी होते हुए भी कोई भी पुलिस अधिकारी और पुलिस बल नहीं मौजूद है और भारी वाहन बिना किसी रुकावट के शहर के नो एंट्री एरिया से गुजर जाते हैं। इस बाबत में थाना इंचार्ज रोशन लाल ने बताया है कि पुलिस कर्मियों की कमी की वजह से उनका स्टाफ एक ही भारी वाहन का चलान कर पाते हैं और पुलिस प्रशासन ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाने के लिए सजग है। जो भी ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। नहीं, पुलिस वाले सारे थे, सिर्फ एक ड्राइवर सर, बाकी एक भाई और एक मैं 3 राउंड हो गए, बाकी यही पूरा था। सर एक का ही चालान क्यों किया गया, बाकी का क्यों नहीं किया गया? वो मेरे आने से पहले चले गए, मेरे पास आपका आपका वो स्टाफ था यहाँ पर, तो उनका भी तो कर्तव्य बनता था कि नो पार्किंग में जो जा रही है गाड़ी, इतने बड़े ट्रक, कोई हादसे का शिकार भी हो सकता था मोड़ते वक्त। मशीन को खुद लेके जा रहा था चालान करने दूसरे चौकों पर, वहाँ भी करकाया और यहाँ आने के बाद में एक मेरे सामने आया। कितने 1000 का चालान करा गया सर? लगभग 10,000 का चालान है। फिर सर बाकी बाकियों का चालान क्यों नहीं गया? ये बड़ा मुद्दा है क्योंकि एक ही आप बता रहे कि लगभग 8-7 ट्रक यहाँ से गुजरे थे, खाली एक का ही चालान आप बता रहे हो, मैंने नहीं देखे, मेरे आने से पहले निकल चुके थे। सर हमने तो अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया, आने से पहले निकल चुके थे। सर आप यहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं थे, पर आपके बाकी कर्मचारी जितने पुलिस विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, बाकी कर्मचारियों ने मुझे बताया कि 2-3 ट्रक निकले थे, लंबे ट्रक थे, यहाँ मोड़ने में दिक्कत आई, इसलिए हमने रेवाड़ी शहर से बाहर निकाल दिए। उनका चालान करना जरूरी था या नहीं आपके हिसाब से? चालान करना जरूरी था, अगर उनको मेरे वेट तक रोकते तो काफी लंबा जाम हो जाता। सर ठीक है, आपके वेट के लिए नहीं रोकते, उनको बाहर ले जाकर साइड में लगाकर उनका चालान करना जरूरी था या नहीं? बाहर ले जाकर शहर से सिटी से बाहर लेके, ताकि कोई जान ना लगे। मुलाजम मेरे पास नहीं है जो कि वहाँ निगरानी पे लगा खड़ा रहेगा, फिर यहाँ जाम हो जाता, अगर उसके पास चले जाए उसको खड़ा करके आ जाएगा तो वो तुरंत चला जाएगा, उसके पास रहना पड़ेगा जब तक रुक सकता है वो।